नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। बिहार की राजनीति में अगर कोई भूचाल ला सकता है तो उसका नाम है पप्पू यादव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम है राजेश रंजन। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन आज नाश्ते पर नेताजी में मेरे साथ हैं। जन अधिकार पार्टी का विलय करने के बाद, अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहले इंटरव्यू में पप्पू यादव जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू जी, क्या खिला रहे हैं और क्या खा रहे हैं? देखिए, जो राजस्थानी खाना था वो मैं आपको दे रहा हूँ। मिस्सी रोटी है, पराठे हैं, जो भी चीजें हैं सामने हैं। मैं मुझसे पूछेंगे कि नाश्ता, तो मेरा नाश्ता कोल्ड कॉफी से होता है, चाहे वो सीसीडी का हो, चाहे बरिस्ता का हो, चाहे कोस्ता का हो, तीनों में से किसी का। वैसे मैं सीसीडी बरिस्ता का ज्यादा लाइकिंग करता हूँ। और मैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ जब मैं दिल्ली रहता हूँ तो हम लोग साथ जाते हैं, वहीं ब्राउन ब्रेड सैंडविच लेते हैं। दिल्ली में घर पे नाश्ता कम होता है, बच्चों के साथ नाश्ता ज्यादा होता है। और पूर्णिया में क्या करते हैं, अपने पटना में क्या करते हैं? पूर्णिया में, पटना में मैं सैकड़ों हजारों लोगों के साथ नाश्ता करता हूँ। अच्छा जी, हजारों लोग। मेरे गांव में खुर्दा है, मेरा गांव, वो वहां हजारों लोग, 500-400 लोग डेली खाना खाते हैं। तो जब आप ट्रैवल करते हैं तब, और नाश्ते में, नाश्ते पे खाने में क्या खाते हैं, सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने? नहीं, बिहार का जो डिश है ना, वो चना की घुघनी है, तोरी है, पराठे हैं घी के। हमारे यहाँ शुद्ध घी में खाना बनता है, या तो सरसों तेल या तो शुद्ध घी। आपका फेवरेट क्या है? मैंने पहले ही कहा कि बनता मेरे लिए घर में लगभग 7-8 सब्जियां बनती है, ज्यादा भी बनती है। उसमें से जो मुझे पसंद होता है, मैं बांट के खाता हूँ। पहले तो मैं बांटता हूँ सबको अपने हाथ से, और फिर उसके बाद मैं कुछ ले लेता हूँ। उसमें आधी कटोरी चावल होती है और एक आध रोटी या पराठे होते हैं, बस। सब्जियां होती हैं और घर की दही होती है, मैं कोई बाहर का दही नहीं खाता हूँ। दूध की छाली जो ऊपर में गर्म होता है, वो मेरी लाइकिंग है। जब मैं पटना नहीं रहता हूँ, जहाँ पर सीसीडी और बरिस्ता नहीं है, वहाँ हमारे लोगों को पता है मैं हॉट केक, हॉट कॉफी पीता हूँ। तो हॉट कॉफी एक एनर्जी देती है, सुबह सुबह ले लेता हूँ बिस्कुट के साथ। बिस्कुट मेरी लाइकिंग है। आप खुद खाना वाना भी बनाते हैं? मैंने जी, मैं बहुत शौकीन है आप खाना बनाने के। तो कौन बेहतर खाना बनाता है, आप ही रंजीत मैम? देखिए, रंजीत जी हर चीज में जीनियस है और बेहतर है। मैंने कुछ चीजें तो उनसे सीखा है ना, जैसे शाही पनीर है, कढ़ाई पनीर है, मटर पनीर है। अब मैं चूंकि वो लीडर हो गए हैं, बड़े लीडर हैं कांग्रेस के, अब मैं उनसे ज्यादा अच्छा खाना बनाता हूँ। वो ज्यादा बड़ी लीडर है आपसे? बहुत बड़ी लीडर है, इसमें कहाँ बहस है। अब मैं उनसे ज्यादा खाना बनाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ। और मैं चिकन अच्छा बनाता हूँ, खाता नहीं हूँ, मटन अच्छा बनाता हूँ, मछली अच्छा बनाता हूँ, फिश चिल्ली अच्छा बनाता हूँ, बेहतर खाना बनाता हूँ मैं, बेस्ट कुक। अगले शो पे आप दोनों का कंपटीशन होगा खाना बनाने पर। ठीक है, कंपटीशन आप आपका और रंजीत मैम दोनों का कंपटीशन होगा। उसमें जेंट्स भी खाने मेरे खाने में रहेंगे, लेडीज भी रहेंगे, क्योंकि हाँ। लेडीज पार्शियलिटी करने लगती है। ये गद्भुत बोला आपने, महिला वोटर जब चाहिए हो तो ठीक है, नहीं तो लेडीज पार्शियलिटी। महिला वोटर, मोदी जी से लेकर राहुल गांधी तक हर एक व्यक्ति महिला वोटर, नहीं नरेंद्र मोदी जी या को महिला वोटर की यदि गहरी चिंता होती है, वो उसकी चिंता छोड़ दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को महिलाओं की चिंता नहीं है। इस कंट्री में आप उठा करके देखेंगे तो आप कुश्ती के पहलवानों से देख लीजिए, ब्रजभूषण से देख लीजिए, सेंगर से देख लीजिए, और भी लोगों से आप देख लीजिए। इसलिए महिलाओं की बात आप उनके मुंह से शोभा नहीं देती। हिंदी पट्टी के राज्यों में बिहार बहुत ज्यादा पीछे रह गया है कि और बेहतर कर सकता था और पिछड़ गया है? देखिए, आप इसको समझिए, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, ये सब एक था ना। बिहार करता चला गया, जो मिनरल्स थे, माइंस थे, सब कुछ अलग अलग स्टेट में, उड़ीसा, कहीं बंगाल,
झारखंड चला गया, बिहार राजनीति का हिस्सा बनता चला गया। 20 साल हो गए हैं। कश्मीर को चाहिए पॉलिटिकल सॉल्यूशन, तो बार बार उसको इकोनॉमिकल सॉल्यूशन मिलता है। बिहार को चाहिए इकोनॉमिकल सॉल्यूशन, तो उसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया जाता है। तो जिसको जो दवाई चाहिए वो देंगे ना। बीजेपी बड़ा कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि अब की बार 400 पार एनडीए आंकड़े सब एकदम तोड़ के निकल जाएंगे, और बिहार में भी उसी तरह से गठबंधन किए जा रहे हैं। मैं एक बात बोलूं, बीजेपी धूल बहुत झोंकती है। नहीं, जनता जब वोट करती है तो ईवीएम से करती है। अगर हिमाचल में कांग्रेस जीते और मध्य प्रदेश में बीजेपी, तो ये दोनों समान रूल हैं कि अलग रूल हैं? इसको गौर से समझना होगा। कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। स्टेट पॉलिटिक्स अलग है और नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स अलग है। जनता की बदौलत कोई चुनाव जीतेंगे ना, ये बीजेपी या नरेंद्र मोदी कैसे कह सकता है 400 पार? दूसरी बात, अब हमको एक बात बताइए, यदि 400 पार हैं वो कॉन्फिडेंट है, तो जिनको जिनको इन्होंने लात मारा, गालियां दी, भगाया, अपनों को तो इन्होंने मारा ही। नरेंद्र मोदी जी किसी के नहीं हो सकते। इसका जीता जाता उदाहरण सबसे ज्यादा है, जब इन्हें सही लोग नहीं थे पारस जी, और उनके पास कोई गट्स नहीं था, तो आप मंत्री बना के क्यों रखे 3 साल? इन्हें इतना इनफेंसेंस इंसान को कैसे आपने मंत्री बनाया? पहले आपने पार्टी तोड़ा, फिर घर तोड़ा, फिर घर को बर्बाद किया। आपने तो रामविलास पासवान जी के घर को बर्बाद कर दिया। उनका का कहना है कि नरेंद्र मोदी ने रामविलास पासवान के घर में फूट डाली है। और क्या लग रहा है आपको? आप उठा के देखो, पहले ये यूज एंड थ्रो। नहीं, आपके भी वीडियोस अभी वायरल हो रहे हैं कि आप पानी पी पी के बोलते थे कि लालू यादव को सिर्फ अपना अपने संतान दिखते हैं, और ऐसी कई सारी बातें हैं। दिक्कत क्या है? उनको कैसे देखते हैं आप, और अभी भी उसी बात पर टिके हुए हैं क्या? नहीं, दिक्कत क्या है, मैंने परिस्थितियों के अनुसार कुछ संदर्भ में मैंने कोई बात कही होगी। विभाग रहनी चाहिए आदमी को। मैं भी लालू जी की तरह संतान था, हो सकता है मेरा भी एक्सपेक्टेशन हो उनसे, जैसे लालू जी को कर्पूरी ठाकुर जी ने एक्सेप्ट किया, अपने बेटे को नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ने अजीत सिंह को एक्सेप्ट नहीं किया, मुलायम सिंह को एक्सेप्ट किया। मेरे भी एक्सपेक्टेशन होंगे। राजनीति में महत्वाकांक्षा नहीं होती है क्या? तकलीफ है कि बेटा होना और बेटे की तरह होने में अंतर है। खून से ज्यादा बड़ा रिश्ता विचारों का होता है। विचार से बड़ा रिश्ता इस धरती पर कुछ है ही नहीं। आप उठा के देखो, नेहरू और महात्मा गांधी का रिश्ता देखो, नेहरू गांधी और सुभाष चंद्र बोस का रिश्ता देखो, सारे विवाद के बावजूद भी रिश्ते देखो ना आप। आपने विचार की बहुत बड़ी बात कही। बिहार में पलटी मार संस्कार चल रहा है। देखिए, तो सभी जो ऐसा लगता है आपको, जिसमें खैर मैं कहूंगी कि नीतीश कुमार जी ने तो महारत हासिल कर ली है पलटी मार बनने में। और देखिए, मैं नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत इज्जत करता हूं। नरेंद्र मोदी जी किनको छोड़े? गोविंदाचार्य, संजय जोशी, बाला साहब ठाकरे को बख्शे नरेंद्र मोदी जी, जिसने बीजेपी को बनाया। किसको? सिंगल नाम बताओ। जिन जिन लोगों ने बीजेपी को बनाया, नरेंद्र मोदी ने सबको भगाया। जो जो लोग नरेंद्र मोदी को गाली दिए, सबको गले लगाए। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, आपको लगता है कि? जी नहीं, जरूरत है। बहुत डरपोक और कमजोर आदमी है वो। इससे कमजोर डरपोक आदमी मैंने जीवन में नहीं देखा, कायर आदमी मैंने नहीं देखा। आपका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कायर हैं, डरपोक हैं? या डरपोक नहीं है तो राम मंदिर के बाद आप सारे मजबूत आदमी को भाजपा से क्यों भगाते हो? गडकरी आपको क्यों पसंद नहीं हुई? अडवाणी क्यों नहीं हुई? राजनाथ सिंह जी को क्यों दबा के रखते हो? इतने अच्छे इंसान। तो जो बीजेपी में है वो कमजोर है कि मजबूत कम है? मजबूत है। संजय निषाद और जोगी का अदावत था, दुश्मनी, गोली चलती थी, काहे मंत्री बना दिया? तो जब अशोक चव्हाण और मिलिंद देवड़ा जैसे नेता बीजेपी में शामिल हों, उसको कैसे देखते हैं आप? खुद कांग्रेस के नेता आके जब शामिल होते हैं, जब प्रजापति ने तो गालियां दी भरपेट, हार्दिक पटेल ने तो भरपेट गालियां दी, क्यों लिए? बहादुर हो मिटा देते, क्यों लिए? कुशवाहा के लिए बाप बाप क्यों? चिराग जी के लिए बाप बाप क्यों? राहुल गांधी की भूमिका को और उनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं? सर, आप हमको एक बात बताइए, बिहार के सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ 9th और 10th क्लास का लीडर और एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ जीनियस,
उसको आप कैसे देखते हैं? क्यों, बहुत ही धुआंधार रैली और रोड शोज हुए हैं, अभी यात्रा हुई है, फिर भी राहुल गांधी की यात्राओं के बाद भी राज्य सरकारों में या फिर राज्य के चुनाव में इस तरह का रिएक्शन, और आपको लगता है कि इस बार उन्होंने हिंदुत्व में एक शब्द है शक्ति, हमें उस शक्ति के खिलाफ लड़ना है? भैया मेरे, मैं बहुत क्लियर हूं, सही उन्होंने कहा, जो नैरेटिव है, नेगेटिव शक्ति है, सनातनी कल्चर से अलग, जिन्होंने हिंदू की संस्कृति जो थी वसुधैव कुटुंबकम का, उस संस्कृति के बारे में नॉलेज है, ये ज्ञान नरेंद्र मोदी ना दे। आप पीएम बनने के लिए पुलवामा से लेकर के राम मंदिर से लेकर के सीएए तक करते हो, और आप जबरदस्ती राष्ट्रपति पुरस्कार, भारत रत्न, जब आए थे तो बीजेपी को भारत रत्न, जब जाने की बारी आई और जब संख्या लगा नहीं जुटेगा तो सबको भारत रत्न, जिनको जिनको आप कहते हो, आप लगभग सारे बीजेपी के निर्माण में जो लोग थे उसको भगा दिया इन्होंने, और सारे कांग्रेसी को ला करके अपना बीजेपी बनाया हुआ है। बीजेपी कहती है कि हम जब सत्ता में रहते हैं तो हिंसा कम होती है, दंगे कम होते हैं, और जब कांग्रेस सत्ता में रहती है तो पता कर लो ना, जरा पता कर लो, आप इसको कैसे देखते हैं? जरा पता कर लो ना, इन्होंने कितना हिंसा किया है बिहार में, कितने हिंसा हुए थे 17 सालों में, आप पता कर लो ना, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हिंसा, कितने हिंसा हो। आप बीजेपी देखो, बीजेपी के खाने के कुछ, करने के कुछ, नरेंद्र मोदी जी के कोई एक चीज, मैं बार बार कहता हूं, कोई एक चीज, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए क्या हुआ, जनधन योजना क्या हुआ, स्किल क्या हुआ, स्टार्टअप क्या हुआ, जिस मनरेगा को ये गाली देते थे वह मनरेगा आज मजदूरों का सबसे बड़ा आइकॉन बन गया है, ताकत बन गई है, सबसे ज्यादा गाली ये मनरेगा को देते थे। ये 3 रुपया 2 रुपया किलो किसने किया था? कांग्रेस ने। कस्तूरबा किसकी लाई हुई है? नवोदय किसका लाया हुआ है? IIT किसका लाया हुआ है? IIM किसका? इन्होंने कौन सा स्कूल लाया? सेंट्रल स्कूल किसका लाया हुआ है? इन्होंने कौन एक स्कूल लाया? एम्स किसका लाया हुआ है? इन्होंने कौन सा लाया, आप हमको बताइए ना। ये अदानी को लाए, नोटबंदी में सबसे ज्यादा अमित भाई के लड़के का धन कैसे बढ़ गया, और अदानी जी का धन अरबों खरबों में, सबका धन घट गया, अदानी का धन बढ़ गया। जब उद्योगपति अशोक गहलोत की सरकार या भूपेश बघेल की सरकार के साथ MOU साइन करें तो सही है, किसने कहा MOU साइन करें तो सही नहीं है? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आप राहुल गांधी जी से इस जन्म में कंट्री की बात होगी, क्या लग रहा है कि अदानी जी राहुल गांधी से नहीं मिलना चाह रहे हो, चाहे होंगे? मुझको नहीं पता, लेकिन यदि विपक्ष है और इतने मजबूत लोग हैं तो मिलना तो चाहिए होंगे। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा दक्षिण भारत में मंदिर वगैरह बहुत है, दक्षिण भारत में ही कांग्रेस शासित राज्यों से बहुत सारे नेता ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि बिहारी ऐसे होते हैं या हिंदुत्व पर सवाल उठाते हैं। सर हमको तो समझ में नहीं आता है, सबसे ज्यादा राज ठाकरे और बीजेपी ने ही तो लात मारता था, सबसे ज्यादा बिहारियों को मदनलाल खुराना के समय तो यहां पीटा गया था, गुजरात में सबसे ज्यादा बिहारियों को पीटा गया, गोली मारा गया, हमको जाके बचाना पड़ा, सबसे ज्यादा गुजरात में बिहारियों को पीटा गया, किसकी बात आप कर रहे हो भाई? बिहारी तो पीटने के लिए जाने गए हैं क्योंकि हमारे लीडरशिप में कमजोरी है, हमारा गट्स नहीं है बिहार में कि हम अपने मजदूर को यहां रोकें, अपने मजदूर को यहां पर हम जीने का राइट दें, हमारे बच्चे बाहर एग्जाम देने जाते हैं तब पीटे जाते हैं, हरियाणा में पीटे गए इसके समय में, आपको तकलीफ? शुभ बाजा था बाजा चलनी हो बाजा, इसलिए आपको मैंने गुनगुनाते सुना है, आखिरी में कुछ गुनगुना के ही। नहीं, मैं तो गुनगुनाता ही रहता हूँ, हर वो फेयर आदमी सुना दीजिए, हर वो फेयर आदमी जो दिल के साफ होते हैं ना, सुना दीजिए हमेशा, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरा गीत अमर कर दो, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई
तो देखे केवल मन, क्या कहूं, जग ने छीना तो मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। अब हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मन भी सुंदर तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और की शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। अद्भुत। फिलहाल आज के लिए हमारे पास समय इतना ही है, लेकिन अगली बार आपका खाने पर टेस्ट, बनाने पर टेस्ट जरूर होगा पप्पू। निश्चित रूप से आप जब भी आएंगे, मेरी राजनीतिक दिलचस्पी कम है, ह्यूमैनिटी मेरी जो लाइफ है वो है मदद की, सेवा की, चाहे वो कोरोना में आप पप्पू यादव को देखिए, बाढ़ में देखिए, चाहे जहां भी देश के भूज में घटना घटा हो, पप्पू का मतलब ही है लोगों की मदद। जहां सारे रास्ते बंद होते हैं वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू होता है, और जब इंसान की उम्मीदें खत्म हो जाए तो एक उम्मीद बचता है, पप्पू, मैं वही उम्मीद हूँ। अद्भुत। धन्यवाद पप्पू यादव जी हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन हेमंत सूद और भूपेंद्र रावत के साथ मुझे मनोज्ञा लोहिवाल को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज पर जारी है।